गाते जरूर रहे हम एक एक नाम, लेकिन कभी नाम का अर्थ नहीं समझा। गाते हैं ना, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजी। अच्युत कौन है? न च्यवती स्वरूपाव, जो कभी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, जिनका स्वरूप कभी विकृत नहीं होता। 16108 के साथ रहते हैं लेकिन फिर भी च्युत नहीं होते, वो तो कौन है? अच्युत। की भी किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में, देश प्रांत में जो च्युत ना हो, एक रूप, एक रस, एक रंग, एक अवस्था में रहे, उनका नाम है अच्युत। केशव बोलते सब, केशव कौन है? केशव क ब्रह्मा ईश रुद्र वयति प्रशासयति केशव, जो ब्रह्मा और रुद्र के ऊपर भी प्रशासन करते हैं, वो कौन है? केशव। राम, एक बार बोलिए ना, राम राम, मिलके बोलो राम राम। राम कौन है? रमन्ते योगिनो यस्मिन, जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं, या योगी जिनके हृदय में रमण करते हैं, वो है राम। जो रमाए वो राम, जो रुलाए वो रावण। रावण शब्द का अर्थ यही है, रोदयति। अच्छा, एक और मजे की बात देखो, राम जी का नाम कितना सीधा है और कितना सरल है। आप सब मिलके बोलो ना मेरे बाद, राम राम। मुंह बंद हो गया, ओठ बंद हो गए, विश्राम मिल गया। राम जी विश्राम देने आते हैं, इसलिए मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। राम जी का नाम भी सीधा और राम जी का काम भी सीधा।